और दोस्तों इस फिल्म में नादिरा उनकी नायिका थी, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल जी को इससे बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। लेकिन दोस्तों ये बहुत दुख की बात है, उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि इसका नतीजा इतना भयंकर होगा कि इज्जतदार आदमी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। कि मुकेश जी के अलावा मोतीलाल जी ने जिन लोगों को अपना माना, जिनके लिए अपने बंगलों में हमेशा पार्टी होती थी, वो लोग भी मोतीलाल जी के आखिरी समय में नहीं थे। यहाँ तक कि उनका अंतिम संस्कार किया गया दोस्तों, उस वक्त भी कोई नहीं था सिवाय नादिरा के। बस नादिरा ने ही उनकी चिता को अग्नि दी। जगदीश, इधर जगदीश, ये क्या? जिस बात का मुझे शुरू से डर था वही हुआ। तू इन लोगों का भला करने के लिए आया और तुझे ये इनाम मिला। शायद मैं इसी काबिल था। जिंदगी ख्वाब है था हमें भी पता। मोतीलाल हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने हिंदी फिल्मों को मेलोड्रामाई संवाद अदायगी और अदाकारी की तंग गलियों से निकालकर खुले मैदान की ताजी हवा में खड़ा किया। करो मगर भगवान की हंसी न उड़ाया करो। मैं कौन हूँ लाने वाला? मैं तो खाने वाला हूँ। लाने और जुटाने वाला तो वो है ऊपर वाला, नीली छतरी वाला। इन्होंने परख, वक्त, लीडर, देवदास और जागते रहो जैसी कई फिल्मों में काम किया। इन्होंने अपने जादू से नायक और चरित्र अभिनेता के रूप में दो दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। शिमला में 4 दिसंबर 1910 को जन्मे मोतीलाल राजवंश जब 1 साल के थे, तभी पिता का साया सिर से उठ गया था। चाचा ने परवरिश की जो उत्तर प्रदेश में सिविल सर्जन थे। इनके चाचा ने इनको बचपन से ही दोस्तों एक बिंदास अंदाज में जीने और उदारवादी सोच का नज़रिया दिया। शिमला के अंग्रेजी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई के बाद उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली में उच्च शिक्षा हासिल की। अपने कॉलेज के दिनों में वो हरफन मौला विद्यार्थी थे। नौसेना में शामिल होने के बाद ये इरादे से मुंबई आए थे, लेकिन दोस्तों ये अचानक बीमार हो गए तो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। इसके बाद ये शानदार ड्रेस पहनकर सागर स्टूडियो में शूटिंग देखने जा पहुँचे। वहाँ निर्देशक काली प्रसाद दोष एक सामाजिक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अपने सामने स्मार्ट यंग मैन मोतीलाल को देखा तो इनकी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि उन्हें अपने फिल्म के लिए ऐसे ही हीरो की तलाश थी जो बगैर बुलाए मेहमान की तरह सामने खड़ा था। उन्होंने अगली फिल्म शहर जादू में सविता देवी के साथ मोतीलाल को नायक बना दिया। तब तक पार्श्व गायन प्रचलन में नहीं आया था, लिहाजा मोतीलाल ने केसी डे के संगीत निर्देशन में अपने गीत खुद गाए थे। इनमें एक गीत लोकप्रिय भी हुआ था। सागर मूवी टोन उस जमाने में कलाकारों की नर्सरी थी दोस्तों। सुरेंद्र, बिब्बो, याकूब, माया बैनर्जी, कुमार और रोज जैसे कलाकार वहाँ कार्यरत थे। निर्देशकों में महबूब खान, सर्वोत्तम बदामी और चीमनलाल लोहार अपनी सेवाएं दे रहे थे। मोतीलाल ने अपनी शालीन कॉमेडी, मेनरिज्म और स्वाभाविक संवाद अदायगी के जरिए तमाम नायकों को पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास रचा दोस्तों। पर्दे पर वो अभिनय करते हुए कभी नज़र नहीं आए दोस्तों, मानो उसी किरदार को साकार कर रहे हों। साल 1937 में दोस्तों सागर मूवी टोन छोड़कर रणजीत स्टूडियो में शामिल हो गए मोतीलाल जी। इस बैनर की फिल्मों में उन्होंने दिवाली से होली के रंगों तक, ब्राह्मण से अछूत तक, देहाती से शहरी छैला बाबू तक के बहुरंगी रोल से अपने प्रशंसकों का भरपूर मनोरंजन किया दोस्तों। उस दौर की लोकप्रिय गायिका नायिका खुर्शीद के साथ उनकी फिल्म शादी सुपरहिट रही थी। रणजीत स्टूडियो में काम करते हुए मोतीलाल जी की कई जगमगाती फिल्में आईं, परदेसी, अरमान, ससुराल और मूर्ति। बॉम्बे टॉकीज ने गांधी जी से प्रेरित होकर अछूत कन्या बनाई थी। रणजीत ने मोतीलाल जी, गोहर मामा जी वाला की जोड़ी को लेकर अछूत फिल्म बनाई। फिल्म का नायक बचपन की सखी का हाथ थामता है जो अछूत है। नायक ही मंदिर के द्वार सबके लिए खुलवाता है। इस फिल्म को दोस्तों गांधी जी और सरदार पटेल का आशीर्वाद मिला था। 1939 में इन इंडियन फिल्म्स नाम से ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन ने फिल्म कलाकारों से साक्षात्कार की एक श्रृंखला प्रसारित की थी।
इसमें अछूत का विशेष उल्लेख इसीलिए किया गया था कि फिल्म में गांधी जी के अछूत उद्वार के संदेश को सही तरीके से उठाया गया था। नायकों में सर्वाधिक वेतन पाने वाले थे उस जमाने में लोकप्रिय अभिनेता मोतीलाल जी, उन्हें 2500 रुपये महीना वेतन के रूप में मिलते थे। फिल्मी कलाकारों से मिलने के लिए उस जमाने में भी दोस्तों लोग लालायित रहते थे। दोस्तों मोतीलाल जी की अदाकारी के अनेक पहलू हैं। कॉमेडी के रोल से वो दर्शकों को गुदगुदाते थे तो दोस्त और गजरे जैसी फिल्मों में अपनी संजीदा अदाकारी से लोगों की आंखों में आंसू भी भर देते थे। साल 1950 के बाद मोतीलाल जी ने चरित्र नायक का चोला धारण कर अपने अद्भुत अभिनय की मिसाल पेश की। बिमल रॉय की 1995 की फिल्म देवदास में देवदास के शराबी दोस्त चुन्नी बाबू के रोल को इन्होंने लार्जर देन लाइफ का दर्जा दिलाया। दोस्तों आपको वो सीन तो ज़रूर याद होगा जब नशे में चूर चुन्नी बाबू घर लौटते हैं तो दीवार पर पड़ रही खूंटी की छाया में अपनी छड़ी को बार बार लटकाने की नाकाम कोशिश करते हैं। देवदास का ये क्लासिक सीन है। राज कपूर निर्मित और शंभू मित्रा अमित मोइत्रा निर्देशित फिल्म जागते रहो के उस शराबी को याद कीजिए दोस्तों, जो रात को सुनसान सड़क पर नशे में झूमता लड़खड़ाता गाता है, जिंदगी ख्वाब है। कहा जाता था दोस्तों कि मोतीलाल जी अभिनय नहीं करते थे बल्कि अभिनय की भूमिका को अपने में आत्मसात कर जाते थे। इसी से आप उनकी किसी भी फिल्म को याद कीजिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे उस कहानी का जीवित पात्र आपकी आँखों के सम्मुख आकर उपस्थित हो गया हो। मोतीलाल जी स्वयं इसका कारण नहीं समझ पाते थे या शायद ये फिर उनकी विनम्रता ही रही हो। अपने अभिनय जीवन की प्रारंभ की उस घटना को आजीवन विस्मृत नहीं कर पाए थे। फिल्म का नाम भी याद नहीं रह पाया था दोस्तों उनको, और ना ही उनके निर्माता निर्देशक का अता पता। लेकिन उस फिल्म के निर्माण के मध्य जिस छोटी सी घटना के माध्यम से उन्हें जीवन के सबसे बड़े संतोष की प्राप्ति हुई थी, वो जीवन के अंत तक उनकी आंखों में तैरती रही। कोशिश करने पर भी उसे भूल सकना उनके लिए संभव नहीं हो पाया। बम्बई के बोरी बंदर के सम्मुख वो उस दृश्य की शूटिंग कर रहे थे दोस्तों। भूमिका थी जूतों पर पॉलिश करने वाले एक आदमी की। फटे पुराने कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी मूछें, धूल धूसरित हाथ पैर और आँखों में एक दारुण दैन्य। पॉलिश करने वाले उस पात्र का जैसे पूरा रूप उजागर हो गया हो उनके माध्यम से। तभी उनको एक परिचित वृद्ध दिखाई दे गए और ये जानते हुए भी कि वो मात्र अभिनय है, मोतीलाल जी के लिए उनकी आंखों से आंख मिला पाना मुमकिन नहीं हो पाया उस वक्त। लेकिन वो सज्जन मोतीलाल जी के पास पहुंच चुके थे और तब मोतीलाल जी को उनकी ओर मुखातिब ही होना पड़ा। देखा उन बुजुर्ग की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। अपने उन्हीं आंसुओं के मध्य वो मोतीलाल जी से कहते जा रहे थे, अभी तो मैं जिंदा हूँ बेटा, मेरे पास तुम क्यों नहीं आए आखिर, जैसे भी होता हम लोग मिलजुल कर अपना पेट पाल लेते, ये नौबत आने ही क्यों दी तुमने। और मोतीलाल जी कुछ भी नहीं बोल पाए थे उस वक्त, अपनी सफाई दे पाना भी संभव नहीं लग रहा था उनको। लेकिन उस घटना को दोस्तों मोतीलाल जी आजीवन अपनी अभिनयी प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र मानते रहे और जब भी उनकी याद उनको आती थी उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते थे। दोस्तों पहले के दिग्गज फिल्म निर्देशकों को अपने पर पूरा विश्वास और भरोसा होता था। उनके नाम और प्रोडक्शन की बनी फिल्म का लोग इंतज़ार करते थे। उनमें से कौन काम कर रहा है ये बात उनके मायने नहीं रखती थी। कसी हुई पटकथा और सधे निर्देशन से उनकी फिल्में सदा धूम मचाती रहती थी। अपनी कला पर पूर्ण विश्वास होने के कारण ऐसे निर्देशक कभी किसी प्रकार का समझौता नहीं करते थे। ऐसे ही फिल्म निर्देशक थे शांताराम। उन्हीं से जुड़ी एक घटना का जिक्र है जो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल उन दिनों डॉक्टर कॉटनिस पर एक फिल्म बना रहे थे, डॉक्टर कॉटनिस की अमर कहानी, जिसमें उन दिनों के दिग्गज तथा प्रथम श्रेणी के नायक मोतीलाल जी को लेना तय किया गया था। मोतीलाल जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया था। शांताराम जी ने उन्हें मुँह मांगी रकम भी दे दी थी। पहले दिन जब सारी बातें तय हो गईं, तो मोतीलाल जी ने अपनी सिगरेट केस से सिगरेट निकाली और वहीं पीने लगे। शांताराम जी बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उनका ये नियम था कि स्टूडियो में कोई धूम्रपान नहीं करेगा। उन्होंने ये बात मोतीलाल जी को बताई
और उन्होंने उनसे ऐसा ना करने को कहा। मोतीलाल जी को ये बात खल गई। उन्होंने कहा कि सिगरेट तो मैं यही पीऊंगा। शांताराम जी ने उसी समय सारे अनुबंध खत्म कर दिए दोस्तों, और मोतीलाल जी को फिल्म से अलग कर दिया। फिर खुद ही कोर्टनीस की भूमिका निभाई। फिर 1965 में दोस्तों मोतीलाल जी की एक फिल्म आई, छोटी छोटी बातें, जिसके प्रोड्यूसर, राइटर, नायक और डायरेक्टर वो खुद ही थे। और इस फिल्म को बनाते बनाते वो न सिर्फ दिवालिया हो गए बल्कि वो इस दुनिया को भी छोड़कर चले गए। इस फिल्म को उनके चचेरे भाई और जिगरी दोस्त मुकेश शाहक ने शीर्ष तक पहुंचाया और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला। लेकिन अफसोस कि ये गर्व भरा सम्मान मोतीलाल जी नहीं देख पाए। 17 जून 1965 में स्थित मुंबई में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।